लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी है, वो लगातार झूठ का सहारा लेके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इससे के कुछ से प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। आप देखे, बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे वहां पर, यहां से हमने बेच दिए। इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है। व्यापार नहीं होता जानवर का, आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन चूंकि अंबानी का नाम था तो दिशा को बदलना था, भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहा था। और वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए, बोले छुपकली आई, चिड़िया आई, तोता आई। अंबानी के यहां से कुछ आया ही नहीं है। लेकिन विषयांतर करके इस तरह का सिद्ध करना कि अंबानी से छुपकलियां ले ली, मन कितना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना। ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति, ये वास्तव में दंड के पात्र हैं। जिनसे ताकत मिलती है ये उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मेरे मित्रों, आज एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें संपूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज अध्यक्ष आसंदी के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्यवाही पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है। मैं मानता हूं कि शायद उनको इससे ज्ञान प्राप्त होगा, वो झूठ बोलना बंद करेंगे। माने परिशिष्ट 5 बताते हैं, जिसमें सिर्फ उन्होंने परिशिष्ट 5 में यह कहा है कि हमारे पास ये है, वो भी एक प्राइवेट संस्थान है, अंबानी ने नहीं, किसी प्राइवेट संस्थान है, जिस परिशिष्ट 5 का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस इंदौर का वो जिक्र कर रहे हैं, वहां भी ये नहीं आई है छुपकली वगैरह, लेकिन कर रहे हैं जी, वो अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। आपको ध्यान हो उस समय सिंहस्थ में कप प्लेट इतने के आए, घुमा दिया था। पिछले सत्र में उनने भाजपा कार्यकर्ताओं को खाना खिला दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।